गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगेन वेलकम इन योर बायो क्लास. टुडेज टॉपिक इज रेप्लिकेशंस, डीएनए रेप्लिकेशंस. बिफोर स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन, वी हैव डिस्कस सम पॉइंट व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो. इट वाज डीएनए आरएनए, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, एंड डीएनए रेप्लिकेशंस वेयर वी हैव prove DNA replications by semi-conservative method and by Seth Meisel's and Sithas experiment. Now, DNA replications, we will read some specific point. First is enzymes for DNA replications. So, there are two or three enzymes which is required during DNA replications. First one is DNA dependent DNA polymerase. Then second one is DNA helicase, enzymes helicase. Third one is DNA ligase. So three enzymes is important during DNA replications. Now the second important points, the process of DNA replications. So DNA replications, it's taking three step. DNA replications में basically कितनी step होती है? Three step होती है. First one is initiation. Second one is elongations or initiation and elongations. So initiation process in which initiation process there are two strands of DNA. First one is continuous strands and discontinuous strands. There are two strands of DNA. First, continuous strands continuous strand. Second one, discontinuous strand. Continuous strand वो strand है जो 3:5 helix वाला होता है. इसमें जो DNA का replication होता है continuous level पर होता है. Discontinuous strands हमेशा 5:3 होता है. 5:3 आपको check करना है open side से. DNA के open जो fork बन रही है तो open side पे जो fork है वहाँ से आप find out करोगे 5:3. See, this is 5:3. So 5:3 mein, yeah, this one is 5. So there are two strands of DNA. First one is continuous strand. First one is continuous strand. And second one is discontinuous strand. Continuous strand you will find from open side. This is replication for bi-shaped structure of DNA. When bi-shaped structure of DNA is found, it is called as replications for. In these conditions, there are two helix. First one is 3:5. Second one is 5:3. So 3:5 you will take from open side. Clear, student? And second one is 5:3. 3:5 strands form. 5:3 strands form continuous synthesis, and 3:5 strands form continuous synthesis, and 5:3 strands form discontinuous synthesis. Yeah, this one is discontinuous synthesis or this one is continuous synthesis. समझ में आया बच्चों? जो discontinuous synthesis क्यों है? क्योंकि आपको बताया कि हमेशा replication जो process है वो 5:3 के रेशो पे होगा. ठीक है ना, 5:3 के रेशो में होगा. तो ये 5 है, ये 3 है, लेकिन यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूअस है. कैसा है ये डिसकॉन्टीन्यूअस? बीच बीच में ओकाजाकी की फ्रेगमेंट्स हैं. बीच बीच में ओकाजाकी की फ्रेगमेंट्स. दिस वन इज गैपिंग जो दिखाई दे रही है ना, ये गैपिंग, ये ओकाजाकी की फिले फ्रेगमेंट्स होते हैं ये. ठीक है, और दूसरा जो स्टैंड है कॉन्टीन्यूस स्टैंड, इसमें ओकाजा के फ्रेगमेंट्स नहीं होते. डीएनए स्प्लिट नहीं होता है.
5:3 रेशियो पे डीएनए स्प्लिट्स होता है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होता है और एक स्टैंड पर कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होता है, ठीक है ना। तो ये जो तो प्रोसेस हो रही है बेसिकली तीन मेन फेज पर हो रही हैं। फर्स्ट वन इज इनिशिएशन बेटा, आप यहाँ पे लिख सकते हो इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स आर स्प्रेडेड बाय एंजाइम्स डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एंजाइम से डबल स्टैंड्स डीएनए स्प्लिट होता है और अनबाइंड होता है, ठीक है। डीएनए हेलिकेज के प्रेजेंस में इट इज कॉल्ड एज अनबाइंडिंग। इनिशिएशन स्टेज में एक प्रोसेस हो रही है अनबाइंडिंग ऑफ डबल स्टैंड्स डीएनए, अनबाइंड हो रहा मतलब ये खुल रहा है डीएनए। सेकंड इसका है द सेपरेट स्टैंड्स टेंड्स टू रिबाइंड। अब ये जो सेपरेट स्टैंड्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये फिर से रिबाइंड होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए क्या होता है, देयरफॉर दीज आर स्टेबलाइज्ड बाय अ प्रोटीन्स कॉल्ड सिंगल स्टैंड्स बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसमें डबल एस बी पी एस सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन एक प्रोटीन है जो कि क्या करेगा, ये विच बाइंड टू सेपरेट स्टैंड्स, ये सेपरेट स्टैंड को फिर बाइंड अप करने में हेल्प करेगा। अनबाइंडिंग ऑफ डबल स्टैंड्स डीएनए फॉर्म वाई शेप स्ट्रक्चर, और जो अनबाइंड डीएनए है ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। रेप्लिकेशन फोर कैसा है, ये वाई शेप्ड, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। एंड अनबाइंडिंग द डबल स्टैंड्स डीएनए फॉर्म वाई शेप कॉन्फिग्रेशंस ऑन डीएनए डुप्लेक्स व्हिच इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर। इनिशिएशन में तीन प्रोसेस हो रही हैं, फर्स्ट रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म हो रहा है, सेकंड इनका कंक्लूजन पॉइंट है कि ये अनबाइंड हो रहा है, थर्ड इनको बाइंड अप करने के लिए एक प्रोटीन होता है, दिस इज सिंगल स्टैंड्स बाइंडिंग प्रोटीन्स, वो अगेन फिर ये डीएनए के न्यू सिंथेसिस स्टैंड्स और पेरेंटल ओल्ड स्टैंड्स को बाइंड अप करेगा, ठीक है। तो ये कहलाता है इनिशिएशन। इन जो थ्री कंक्लूजन्स हैं ये मिला के क्या बन रहा है, इनिशिएशन। सेकंड प्रोसेस है इलोंगेशंस, जब अनबाइंडिंग की प्रोसेस और रेप्लिकेशन की प्रोसेस धीरे 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 मतलब आगे फ्लो करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, दिस इज कॉल्ड एज इलोंगेशंस। इलोंगेशंस एंजाइम्स कॉल्ड प्राइमेज, इसमें एक प्राइमेज इनिशिएटर्स की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ये एकदम ट्रूथ है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज अपना एक न्यूक्लियोटाइड को बाइंड अप अपने आप नहीं कर सकता, इसको एक प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो प्राइमर एक एंजाइम्स होता है जो प्राइमेज एंजाइम्स जो इनिशिएशन शुरू करता है, ठीक है ना। इनिशिएशन किसकी साइड से कर रहा है, 3:5, जो 3:5 है ये वाला ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे 3:5 उसके साइड से इनिशिएशन शुरू करेगा 5:3 की डायरेक्शन पर। दिस वन इज 5:3 की डायरेक्शन, ठीक है ना, 5:3 की डायरेक्शन पर करेगा। तो इसमें फर्स्ट जो एंजाइम्स होगा प्राइमेज होगा जो कि एक प्राइमर को ऐड करता है यहाँ पर, और ये प्राइमर किसके थ्रू हो रहा है, आरएनए प्राइमर्स के थ्रू, ठीक है ना, आरएनए प्राइमर। और ये तकरीबन कितने जीन्स का होता है, लगभग 10 से लेके 16 इसमें बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जो फर्स्ट प्राइमर लगेगा इस डायरेक्शन पर, फर्स्ट प्राइमर वो 10 से लेके 16 न्यूक्लियोटाइड्स का मैक्सिमम हो सकता है। आई थिंक यहाँ पे ये स्टेप आपको क्लियर होगा। फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, जिसमें ये वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है फर्स्ट। सेकंड इसमें अनबाइंडिंग हो रही है किसकी प्रेजेंस में, हेलिकेज की प्रेजेंस में। थर्ड वन जो एक सिंगल स्टैंड्स बाइंडिंग प्रोटीन है, वो सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन वो बेसिकली अनबाइंडेड स्टैंड्स को अगेन बाइंड अप करने में हेल्प करेगा। सेकेंड प्रोसेस है एलोंगेशन। एलोंगेशंस में फर्स्ट प्राइमेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में एक आरएनए प्राइमर एक न्यू न्यूक्लियोटाइड को बाइंड अप करेगा, वो लगभग 10 से लेके 16 न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होगी, दैट विल बी आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये आरएनए प्राइमर थ्री, ये फ्री जो 3OH साइड पर है
उसकी साइड पे लगेगा। सेकंड है, जैसे ही वो एक प्राइमर लग गया उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा, देन डीएनए पॉलीमरेज प्रोग्रेस एड डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लोटाइड टू द फ्री थ्री एंड ऑफ द ग्रोइंग पॉलीन्यूक्लोटाइड। थ्री एंड साइड से शुरू होगा, ये थ्री एंड है ना, ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, थ्री एंड की साइड से, और ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म पर होगा, ठीक है। थ्री इज टू फाइव के साइड से लगेगा, जो थ्री इज टू फाइव वाला स्टैंड्स होगा वो कॉन्टीन्यूस होगा। और देखो ये आप देख भी रहे हो, रेड कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है कंटिन्यूस दिखाई दे रही है, तो कॉन्टीन्यूस स्टैंड्स है, और इट इज़ कॉल्ड एज लीडिंग स्टैंड्स। जो कॉन्टीन्यूस स्टैंड्स को आप लीडिंग स्टैंड भी कह सकते हो, लीडिंग लीडिंग स्टैंड्स, ठीक है। और जिस एक रेप्लिकेशंस जो थ्री इज टू फाइव, ये फाइव इज टू थ्री के रेशियो में और फाइव इज टू थ्री के साइड पर वर्क कर रहा है, वो डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस करता है, इट इज़ कॉल्ड एज लैगिंग स्टैंड। तो जो डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस कर रहा है वो लैगिंग स्टैंड, लैगिंग, ठीक है। और जो कंटिन्यूस सिंथेसिस कर रहा है, न्यू सिंथेसिस की बात कर रहा है बेटा, एक ओल्ड तो होगा नहीं सेमी कंजर्वेटिव मेथड में, एक हेलिक्स तो उसको ऑलरेडी पेरेंटल डीएनए से मिल गया है, जो न्यू हेलिक्स फॉर्म हो रहा है तो एक न्यू हेलिक्स कॉन्टीन्यूस मिलेगा, एक न्यू हेलिक्स डिसकॉन्टीन्यूस मिलेगा। तो डिसकॉन्टीन्यूस जिस पेरेंटल डीएनए के साथ होगा वो पेरेंटल डीएनए लैगिंग स्टैंड, और कॉन्टीन्यूस स्टैंड जिस पेरेंटल डीएनए के साथ होगा दैट विल बी लीडिंग स्टैंड। तो लीडिंग और लैगिंग स्टैंड इसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे, दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। द रेप्लिकेशंस ऑफ लैगिंग स्टैंड्स जनरेट स्मॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये देखो छोटे थोड़े थोड़े से न्यूक्लियोटाइड्स मिल रहा है एक गैपिंग के साथ, ठीक है ना। और दिस वे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स फ्रैगमेंट्स इज फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी जेड ए के आई, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो डिसकॉन्टीन्यूस इज सिंथेसिस में ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मिलेगा, कॉन्टीन्यूस सिंथेसिस में कुछ भी नहीं लगा। इन दिस वे रेप्लिकेशन प्रोसेस विल बी फिनिश। तो यहाँ पर आप लोगों को इसको यदि कंक्लूजन्स में देखा जाए तो बेसिकली वो हैं एंजाइम्स हैं, तो देर आर थ्री एंजाइम्स। फर्स्ट वन इज़ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सेकंड वन इज हेलिकेज, थर्ड वन इज डीएनए लिगेज, एंड एक और आप ले सकते हो दैट इज़ प्राइमेज एंजाइम्स, ठीक है ना। तो ये एंजाइम्स इसमें यूज होंगे। प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट इनिशिएशन फेज होगी, सेकंड इलोंगेशन फेज होगी। इनिशिएशन फेज में पहले अनबाइंडिंग होगी, मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए ओपन करना शुरू करेगा और एक बाय शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोर्क। ये एंजाइम्स एक, ये अनबाइंडिंग की प्रोसेस एक एंजाइम्स के प्रेजेंस में होगी। दिस एंजाइम्स इज कॉल्ड एज हेलिकेज डीएनए हेलिकेज एंजाइम्स, जो अनबाइंडिंग करने में हेल्प करता है। सेकेंड एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगी इसमें सिंगल स्टैंड्स बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि सेपरेट स्टैंड को फर्दर बाइंड अप करेगा, और एक और रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म होगा। तो ये तीन जब प्रोसेस हो जाएंगे दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। इनिशिएशन के बाद है इलोंगेशन स्टेज। इलोंगेशन स्टेज में फर्स्ट कॉन्टीन्यूस स्टैंड्स हो या डिसकॉन्टीन्यूस सिंथेसिस हो, फर्स्ट इसमें प्राइमेज एंजाइम्स के प्रेजेंस से, आरएनए प्राइमेज एंजाइम्स के प्रेजेंस से एक न्यूक्लियोटाइड फाइव साइट पर जाकर एक न्यूक्लियोटाइड बाइंड अप होगा। ये न्यूक्लियोटाइड नियर अबाउट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमेज के प्रेजेंस में होगा, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, और ये जब न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे लग जाएंगे उसके बाद डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा और आगे की वो सिंथेसिस कंप्लीट करता जाएगा, रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट करता जाएगा। इस प्रोसेस में एक कॉन्टीन्यूस सिंथेसिस होगा, एक डिसकॉन्टीन्यूस सिंथेसिस है। जो थ्री इज टू फाइव वाले स्टैंड्स है वो कॉन्टीन्यूस सिंथेसिस है, और फाइव इज टू थ्री वाला स्टैंड्स डिसकॉन्टीन्यूस सिंथेसिस है। डिसकॉन्टीन्यूस सिंथेसिस में न्यूक्लियोटाइड्स के स्मॉल फ्रैगमेंट्स फॉर्म होंगे, दिस इज, और ये जो फ्रैगमेंट्स है दिस इज कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। बाद में डीएनए लिगेज पूरे एंजाइम्स को ज्वाइन करने में हेल्प करेगा। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को दूर करके और डीएनए लिगेज से डिसकॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड्स के जो स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स हैं
वो एट द एंड ऑफ प्रोसेस दैट विल बी ज्वाइन. इन दिस वे रेप्लिकेशन प्रोसेस विल बी फिनिश. सो रेप्लिकेशन प्रोसेस में बेसिकली एक डीएनए से दूसरा डीएनए फॉर्म होना है. अब सेकेंड आता है ट्रांसक्रिप्शंस. ट्रांसक्रिप्शंस बेसिकली क्या है, डीएनए से आरएनए फॉर्म होना. डीएनए से आरएनए फॉर्म होना, ठीक है बेटा, डीएनए से आरएनए फॉर्म होना, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शंस. रेप्लिकेशंस में डीएनए से डीएनए फॉर्म होना, ट्रांसक्रिप्शंस से डीएनए से आरएनए स्ट्रैंड्स फॉर्म होना, और एक डीएनए के एक स्ट्रैंड से, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स यूज नहीं होंगे. ठीक है, यहाँ पर डीएनए का एक ही स्ट्रैंड्स यूज होगा जो ट्रांसक्रिप्शंस करेगा. दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स ट्रांसक्रिप्शंस नहीं कर सकते हैं. बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शंस हैज, व्हाई, बिकॉज इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट्स, यदि दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट्स के तरीके से वर्क करेंगे तो दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल्स विच डिफरेंट सिक्वेंस. तो इसमें वो कोड करेंगे किसी आरएनए मॉलिक्यूल्स के लिए और वो एक डिफरेंट सिक्वेंस पर होगा, ठीक है, जो एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होगा. इफ दे कोड फॉर प्रोटीन द सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन वुड बी डिफरेंट. यदि किसी एक प्रोटीन के लिए कोड करना है तो दोनों स्ट्रैंड्स यदि टेम्पलेट्स के तरीके से वर्क करेंगे तो एक ही प्रोटीन के लिए दो अलग अलग सिक्वेंस फॉर्म होंगे. इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल कि बोथ स्ट्रैंड्स बिकम टेम्पलेट्स. डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड से टेम्पलेट के तरीके से वर्क करेगा, दूसरा वर्क नहीं करेगा. क्लियर स्टूडेंट? तो ये ट्रांसक्रिप्शंस है. बेसिकली ट्रांसक्रिप्शंस को अंडरस्टूड करने के लिए हमको ट्रांसक्रिप्शंस को हम फॉलोइंग स्प्लिट करेंगे. फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट. ट्रांसक्रिप्शंस प्रोसेस को क्लियरली समझने के लिए फर्स्ट यू विल अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट. तो ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट में ये सब जीन्स हैं. एक प्रमोटर जीन्स होगा, एक स्ट्रक्चर जीन्स होगा और एक टर्मिनेटर जीन्स होगा. तो ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज प्रमोटर रीजन, सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल जीन्स, थर्ड वन इज टर्मिनेटर जीन्स. तो ये फिगर आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले इस फिगर को, दिस वन. अब इस फिगर को बहुत समझना जरूरी है. हर साल एवरी ईयर इसमें से क्वेश्चंस किसी ना किसी फॉर्म पे पक्का ही आता है और बच्चों को लास्ट तक क्लियर नहीं होता क्या है. तो इसमें दो ब्लू कलर की एक लाइन है और एक ग्रीन कलर की लाइन है. ब्लू कलर में एरो बना है 5:3. एरो हमेशा 5:3 की साइड से होएगा, समझ में आया? तो ब्लू कलर में एरो किसकी साइड पर बना हुआ है, 3 की साइड पर, और ग्रीन कलर पर भी एरो 3 की साइड पर बना है. तो दैट्स अ रीजन दिस इज कॉल्ड एज एंटी पोलरिटी. एक 5:3 का स्टैंड होगा, एक 3:5 का स्टैंड होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? और अभी आप लोगों ने देखा ना डीएनए रेप्लिकेशन में कि 3:5 जो स्टैंड रहेगा उसके साथ ही रेप्लिकेशंस होगा, टेम्पलेट के तरीके से वर्क करेगा. तो इसमें हमेशा 3:5 वाला जो स्ट्रैंड्स है वो उस पर उसको आप उसमें आप प्रमोटर स्ट्रक्चर जीन्स और टर्मिनेटर जीन्स को मार्क करोगे, समझ में आया? और किसके बेस पर मार्क करोगे? 3:5 ग्रीन वाली लाइन के बेस पर. ग्रीन वाली लाइन पर जो 5 की साइड पर हमेशा प्रमोटर रहेगा, कंफ्यूज मत होना. ग्रीन वाली लाइन को चेक करना है, ग्रीन वाली लाइन कोडिंग स्टैंड्स है और जो ब्लू वाली लाइन है टेम्पलेट स्टैंड्स है. तो ऑलवेज 3:5 की जो लाइन होगी, 3:5 का जो स्टैंड्स रहेगा वो टेम्पलेट स्टैंड्स रहेगा और 5:3 का जो स्टैंड्स रहेगा वो कोडिंग स्टैंड्स रहेगा. कभी भी मत भूलना है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 3:5 हमेशा कौन सा रहेगा, टेम्पलेट स्टैंड्स, और 5:3 हमेशा कोडिंग स्टैंड्स. ठीक है, ये रिवर्स भी हो सकता है लेकिन उसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा फिर. ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई. अब इसमें तीन सेगमेंट्स है, एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चर जीन्स और एक टर्मिनेटर. तो टर्मिनेटर, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन्स, इसको हम ग्रीन लाइन के रेफरेंस पर देखेंगे. तो ग्रीन लाइन के रेफरेंस पर, ग्रीन लाइन का जो 5 एंड वाला साइड है उसी साइड पर प्रमोटर होगा. वो ब्लू लाइन के 3 साइड पर आएगा बट ग्रीन लाइन के 5 साइड पर आएगा. और हमको कोडिंग स्ट्रैंड्स के साइड से प्रमोटर को
स्ट्रक्चर जीन्स को और टर्मिनेटर को लेना है। समझ में आया बेटा? तो 3:5 जो ब्लू कलर की लाइन है 3:5 उस वो स्टार्टिंग में प्रमोटर को शो करेगा, बीच के जीन्स स्ट्रक्चर जीन्स हैं और लास्ट में डाउन स्ट्रीम्स इसको कहते हैं वो टर्मिनेटर जीन्स। मतलब डाउन स्ट्रीम्स किसके रेफरेंस पे हो गया, 3:5 के रेफरेंस में ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है ना, नीचे वाला, और ये जो है अप स्ट्रीम्स है। तो प्रमोटर हमेशा अप स्ट्रीम्स पर और टर्मिनेटर हमेशा डाउन स्ट्रीम्स पर होगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 reasons हैं, फर्स्ट वन इज़ प्रमोटर, सेकंड वन इज स्ट्रक्चर जीन्स, थर्ड वन इज टर्मिनेटर। प्रमोटर 3 वाली यदि 3 वाले हेलिक्स पे देखना है तो वो इस 3 के पास रहेगा, और स्ट्रक्चर जीन्स बीच का रहेगा, और टर्मिनेटर जो है वो 5 वाले साइड पर चला जाएगा। समझ में आया? इसके बाद सेकंड पॉइंट्स है कि द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब इसमें एंजाइम्स जो यूज़ हो रहे हैं वो एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं फर्स्ट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम्स यूज़ हो रहा था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये चूंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है इसलिए यहाँ पे यूज़ होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इट्स हेल्प डीएनए रेप्लिकेशंस बाय कैटलिस्ट ऑफ पॉलीमराइजेशंस इज ओनली वन डायरेक्शन में ही होगा। हमेशा जो रेप्लिकेशन होगा और ट्रांसक्रिप्शंस होगा वो किस साइड पर होगा, 5:3 की साइड पर। तो यदि डी हेलिक्स को वो सॉरी ब्लू वाली लाइन को यदि वो टेम्पलेट्स मान रहा है तो अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 3। मतलब आरएनए इस फॉर्म पे प्राप्त हो 5 से 3 की साइड पर। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो ये टेम्पलेट्स यदि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के साथ क्या होता है टी जुड़ता है तो टी नहीं होके यहाँ पे यू आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? डीएनए से आरएनए बन रहा है तो यहाँ पर यूरोसिल की जगह वो थाइमिन की जगह पे यूरोसिल आएगा। क्लियर? तो ये इस रेंज पे जाएगा जो मैंने ब्लू कलर की लाइन बनाई है, ठीक है ना। हमेशा ट्रांसक्रिप्शंस इस साइड पर होगा और ये ट्रांसक्रिप्शंस पूरी तरीके से कोडिंग स्ट्रैंड्स के जैसे ही होगा। समझ में आया? दैट्स अ रीज़न कि ये कोडिंग स्ट्रैंड्स के जैसे ही है। दैट्स अ रीज़न कोडिंग स्ट्रैंड्स को कोड ना होते हुए भी कोडिंग स्ट्रैंड्स कहते हैं, क्योंकि जो नया डीएनए का ऑल्टरनेटिव जो आरएनए फॉर्म होगा वो जस्ट लाइक कोडिंग स्ट्रैंड्स, वो कोडिंग स्ट्रैंड्स के जैसे ही होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये सब आपको बहुत कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट याद करना कि हमेशा 5:3 के रेशो पे होगा, चूँकि इसमें ट्रांसक्रिप्शंस हो रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, चूँकि इसमें ट्रांसक्रिप्शंस हो रहा है इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड अप करेगा, ठीक है। और 5:3 के डायरेक्शन पर सिर्फ एडिनाइन की जगह जो थाइमिन आना था उसकी जगह पर वो यूरोसिल ऐड होता जाएगा। क्लियर? और सेकंड जो है ये जो न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म हो रहा है ना टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के ऑल्टरनेटिव, वो बिल्कुल ब्लू जो ग्रीन कलर का स्ट्रैंड है कोडिंग स्ट्रैंड्स उसके जैसे ही होगा, सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस रहेगा, ठीक है, यूरोसिल होगा उसमें, जबकि 5:3 वाली जो लाइन है कोडिंग स्ट्रैंड्स उसमें थाइमिन है, ठीक है। तो द स्ट्रैंड्स विच डज नॉट गेट ट्रांसक्रिप्शंस इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड्स। ये कोडिंग स्ट्रैंड्स है, ये ट्रांसक्रिप्शंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इट डज नॉट गेट ट्रांसक्रिप्टेड इज कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड्स, हैज इट्स पोलरिटी 5:3 इज सिक्वेंस एज द सेम एज आरएनए फॉर्म्ड। इसकी 5:3 की पोलरिटी किसके जैसी होगी, ये जो न्यू आरएनए स्ट्रैंड्स फॉर्म हुआ है, कौन सा स्ट्रैंड्स है, आरएनए स्ट्रैंड्स,
इसकी पोलरिटी और इसकी पोलरिटी सेम होगी, तो जो न्यू स्ट्रैंड्स आरएनए फॉर्म हो रहा है वो कोडिंग स्ट्रैंड्स के एग्जैक्टली होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। दैट्स अ रीज़न कि 5:3 स्ट्रैंड्स जो कि ट्रांसक्रिप्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और कोई कोड भी नहीं प्रोवाइड कर रहा, बट कोडिंग स्ट्रैंड्स है वो। क्यों कोडिंग स्ट्रैंड्स है? क्योंकि आरएनए का जो न्यू स्ट्रैंड्स फॉर्म हो रहा है इट इज़ जस्ट एग्जैक्टली लाइक कोडिंग स्ट्रैंड्स। क्लियर? तो ये कोडिंग स्ट्रैंड्स है। टर्मिनेटर्स हमेशा थ्री एंड की साइड पर टर्मिनेटर होगा, कोडिंग स्ट्रैंड्स का जो थ्री एंड साइड हो उसकी साइड पर टर्मिनेटर होगा, और टर्मिनेटर वो पॉइंट से जहाँ पर प्रोसेस रुक जाएगी, ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस रुक जाएगी। सो इन दिस वे प्रमोटर ऑलवेज इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शंस, टर्मिनल इज अ टर्मिनेटर इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स वेयर ट्रांसक्रिप्शंस विल बी स्टॉप। सो थ्री यूनिट्स हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन्स और टर्मिनेटर्स, और तीनों मिलाकर एक ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट फॉर्म करते हैं। अब आप इसको प्रॉपरली रीड कर लेंगे, प्रॉपरली रीड कर नहीं करोगे तो आपको ये नहीं आएगा और ये टफ ही बना रहेगा। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस ट्रांसक्रिप्शंस यूनिट एंड द जीन्स। सो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। I expect you that you will read this topic very clearly.